अमेरिका नंबर वन, द पीक वैल्यू ऑफ एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट्स, व्हाट इज इट्स आरएमएस वैल्यू। ये तो ऑब्जेक्टिव में ही आ सकता है, ठीक है। तो क्या है आरएमएस वोल्टेज मालूम करने का क्या फार्मूला होता है, जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है इसे अंडर रूट टू से डिवाइड कर दें, या 1/√2, ये जो है ये होता है 0.707 मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम वोल्टेज। अब ये 300 आपके पास मैक्सिमम वोल्टेज है, तो ये 0.707 को मैक्सिमम वोल्टेज 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 212.1। हाँ भाई कोई मसला? नो सर। हाँ ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में ही आता है, और ऐसे भी आ सकते हैं कि आप कोई आरएमएस बताइए वो वैल्यू और आपसे पीक वैल्यू पूछ ले, तो फिर पीक वैल्यू हमारे पास क्या होगी, अंडर टू इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या 0.707 को आरएमएस वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं, पीक वैल्यू आरएमएस वैल्यू से ज्यादा ही होगी। चले जी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आ गई, ठीक हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। ये देखो क्या है, इधर हल कर लेते हैं। द आरएमएस वैल्यू ऑफ ए करंट इज दिस, व्हाट इज द पीक वैल्यू, ठीक है। तो करंट की आरएमएस वैल्यू का क्या फार्मूला है, दैट इज द सेम आई एम मैक्सिमम करंट ओवर अंडर रूट टू, ठीक है। तो आपने मैक्सिमम करंट या पीक करंट मालूम करने, तो ये अंडर रूट टू को इधर आकर मल्टीप्लाई कर दें आरएमएस से। वैसे अंडर रूट टू को पॉइंट्स में लिखना है तो वो 1.4 होते आई थी, आरएमएस वैल्यू आपको बताई उन्होंने 10 है, तो यहाँ से जो मैक्सिमम या पीक करंट आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 14 एम्पेयर, ठीक है। दिस इज द आंसर, क्लियर हो गया जी, ठीक है। और बोलो तो सही। यस सर। वासिक सिर्फ आप ही बोल रहे हैं, राबिया से पूछने का फायदा ही नहीं है, उसने बोल नहीं रही है। मैक्सिमम करंट को हम आई नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चले इसी पर ही आ जाए, ये कैपेसिटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसको मैं कल पे छोड़ता हूँ, ताकि आप सारे जो है वो कैपेसिटर वाले एक दफा टॉपिक पढ़ लें, ठीक है। एसी थ्रू कैपेसिटर एक दफा रिवाइज कर लें, फिर हम इस सवाल पर आ जाएंगे, सारे मैं चाहता हूँ कि एक दफा कर लें, तो शीज कर लोगे? यस सर इंशाल्लाह। सर जी आप हुक्म देंगे सर, हम करेंगे सर। नहीं आपने मुझे पेपर भी देना था, वो पेपर के लिए हुक्म तो माना नहीं है आपने। सर जी वो मैंने आपने जो पेपर दिए थे सर वो मैंने सॉल्व किए हैं सर। अच्छा मुझे फिर पता नहीं है ना, मैं सर आपको इंशाल्लाह कल आके दूंगा सर। ठीक, 4B कैपेसिटर से रिलेटेड है, ये 5 आ गया इंडक्टर से रिलेटेड। एसी थ्रू इंडक्टर, वो ये कहते हैं कि इंडक्टर है उसकी इंडक्टेंस जो है, इंडक्टेंस एल दैट इज इक्वल टू 100 माइक्रो हेनरी, ठीक है। और पासिस द करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर, तो करंट जो है वो हमारे पास 10 मिली एम्पेयर है, व्हेन इट्स टर्मिनल वोल्टेज, जबकि उस इंडक्टर के एंड पर जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया हुआ है दैट इज इक्वल टू 6.3 वोल्ट्स। ये याद रखना, यहाँ पे मेंशन नहीं है कि जब ना बताया हो सवाल के अंदर कि ये कौन सा करंट है, पीक वैल्यू करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट है, या आरएमएस है, तो ये अंडरस्टूड होते हैं कि अल्टरनेटिंग के अंदर जो करंट और वोल्टेज की वैल्यू बताए होते हैं, जब मेंशन नहीं होगी ये पीक करंट है या आरएमएस है या इंस्टेंटेनियस है, तो फिर वो आरएमएस करंट की ही वैल्यू होती है, यानी दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, ठीक है। अब सबसे पहले कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट मालूम करनी है। तो आपको इंडक्टर क्या होती है, ये कॉइल होती है, इसके साथ आपने एसी सोर्स लगाया हुआ है, वो इसको वोल्टेज अप्लाई कर रहा है और कुछ करंट भी,
तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्स एल, उसका एक फार्मूला है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी छुपी होती है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला होता है ओमेगा एल, या ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2πfL लिख सकते हैं। तो यहां से ऐसे मैं कर देता हूं 2πfL, ये किसके बराबर है, इंडक्टिव रिएक्टेंस के, करंट को अपोज करने की जो इंडक्टर की एबिलिटी है। इंडक्टर कैसे करंट को अपोज करता है, बाय प्रोड्यूसिंग द बैक ईएमएफ। तो यहां से जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या बन रही है, 1/2πL, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो रहा है, और साथ में एक्स एल लिखे। एक्स एल मैंने ऐसे क्यों लिखा, अभी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, बाय ओम्स लॉ, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। इन द सेम वे जो रिएक्टेंस है, इट इज फेवर इज जस्ट लाइक द रेजिस्टेंस, ठीक है, करंट को अपोज करने की एबिलिटी। रिएक्टेंस का भी हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है वो वी ओवर आई है। वी कौन सा होगा, आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज होगा, तो ये आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट होगा। अगर ऊपर मैक्सिमम वोल्टेज है तो नीचे मैक्सिमम करंट लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट है तो वो लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही कर लेता हूँ, ये 1/2πfL, साथ ये एक्स एल की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, वी ओवर आई लिख देते, ठीक है, वी आर एम एस एंड आई आर एम एस। अब चेक करें, मैं सर इधर चेक करता हूँ, 1/2ππ की जगह पर 3.14 आ जाएगा। एफ ओ एफ तो हमने मालूम करना, ये सिर्फ 2πL है, वो रूटीन में वो 2πfL बोलते हैं ना, रूटीन में मेरे मुंह से क्या चला गया जी, 2πfL, लेकिन ये क्या 2πL। L की वैल्यू जो है, L की वैल्यू दैट इज दिस गिवन 100 माइक्रो हेनरी, 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख लेता हूँ, माइक्रो क्या होता है, 10^-6, तो ये 10^-4, और इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी। यहाँ पर हम डायरेक्टली 10^-4 लिख देंगे, ठीक है। वोल्टेज कितना है, वो हमारे पास 6.3 वोल्ट्स है, ये है 6.3 वोल्ट्स। करंट कितना है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 10 mA, इसको भी ऐसे लिखे 10 × 10 mA, 10^-3, तो ये 10^-2, ठीक हो गया। तो ये 10^-2 A, ये वैल्यू, सारी वैल्यू हमें गिवन है, वी कैन फाइंड द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। हाँ भी मालूम कर लेंगे सारे, बोलो। यस सर। चले, लड़कियों में से भी कोई बोल दे, रब का नाम है, बोल दो। यस सर। अल्लाह अकबर, मरियम बोली होगी मुश्किल से। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाँ जी, न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 वो ये कह रहे हैं, कैलकुलेट द इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल, मालूम करना है किसका, ऑफ ए 3 mH इंडक्टर। 3 mH, हेनरी यूनिट होती है इंडक्टेंस की, ठीक है, इंडक्टेंस इसकी एक कांस्टेंट है। किसी भी जैसे कैपेसिटर का कांस्टेंट कैपेसिटेंस होता है सी, इंडक्टर का कांस्टेंट होता है इंडक्टेंस, ठीक है। तो वो है 3 mH, 3×10^-3 H, ठीक हो गया। फिर व्हेन फ्रीक्वेंसी 2 दी हुई है, एक 60 Hz है और दूसरी हमारे पास है 10 kHz। 10 kHz, किलो क्या होता है, 10³ होता है, तो ये 10⁴ Hz सही है। तो इन फ्रीक्वेंसीज पर F1 और F2 पर हमने मालूम करनी है व्हाट इज द RMS करंट, करंट की RMS वैल्यू मालूम करनी है, ईच फ्रीक्वेंसी, हर फ्रीक्वेंसी पर करंट की RMS वैल्यू भी मालूम करनी है। XL तो मालूम करना ही है, लेकिन साथ उनकी करंट भी मालूम करनी है RMS वैल्यू की, और जब उस पर जो अप्लाइड वोल्टेज है, RMS वैल्यू ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज जो है, दैट इज इक्वल टू VR, और VRMS जो है, दैट इज इक्वल टू 120 वोल्ट्स, ठीक है। तो अब अभी हमने फार्मूला पढ़ा है,
इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला है 2πFL, तो फ्रीक्वेंसी जब चेंज होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी जब चेंज होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी चेंज होगी, तो जब फ्रीक्वेंसी की दो वैल्यूज है इंडक्टिव रिएक्टेंस की भी दो वैल्यूज होंगी, सही है। इसका मतलब है एक हमने एक्सएल वन मालूम करना है, दूसरा एक्सएल टू मालूम करना है। जब इंडक्टर दो तरीके से करंट को अपोज करेगा तो करंट भी इसमें दो तरह के फ्लो करेंगे, जहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगी वहां पर करंट भी कम होगा, एक ये मालूम करना है और दूसरा आई टू भी मालूम करना है, ठीक होगी बात, और आर एम एस वैल्यू भी मालूम करना है। मैं सादा सा जल्दी से बता देता हूं ताकि हम आगे बढ़ जाए। एक्स एल का फार्मूला है 2πFL, सही। तो अब जरा देखो, जब पहली फ्रीक्वेंसी पुट करेंगे तो इसे मैं एक्स एल वन कह दूंगा 2πF1 इंटू एल, तो एफ वन हम क्या यूज करेंगे, ये 60 हर्ट्ज, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7, ये 60, और एल की वैल्यू कितनी है 3 मिली हेनरी, 3 × 10⁻³, ये एक्स एल है, तो आगे पास एक आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर जब आपने एक्सएल टू मालूम करना है, एक्सएल टू फिर हमारे पास क्या हो जाएगा बोलो, फिर हमारे पास यही 2πF2×L, तो आगे पास ये नई फ्रीक्वेंसी है, इंडक्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे आगे पास रिएक्टेंस आ जाएगी। फिर करंट मालूम करना है, करंट मालूम करना है तो करंट मालूम करने के लिए जैसे ओम्स लॉ में I=V/R होता है, यहाँ पर I=V/XL, तो जब पहली रिएक्टेंस पुट करेंगे तो ये पहला करंट की आरएमएस वैल्यू आ जाएगी, IRMS × 1 लिख दे, यहाँ पर वोल्टेज VRMS आ जाए, और जब दूसरा करंट मालूम करना है तो वो हमारे पास क्या वोल्टेज उतना ही है उस इंडक्टर पर, उस इंडक्टर पर हमने वोल्टेज उतना ही अप्लाई कर रहे हैं लेकिन यहाँ से जो करंट जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करें, तो हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होने से रिएक्टेंस चेंज हो जाएगी, और रिएक्टेंस क्या आ जाएगी यहाँ पर एक्सएल टू जो हमने मालूम की है, तो ये हमारे पास RMS × I। हाँ भाई बोलो, मैं पूरा डिटेल में सारे वैल्यूज पुट करूँ या क्लियर हो गया है कि ये दो करंट की वैल्यू, दो इंडक्टर्स की वैल्यू मालूम करनी है, बोले क्लियर है सर जी। बाकी भी कोई बोल दो यार, ताकि मैं मुतमिन हो जाऊं कि सिर्फ एक स्टूडेंट को नहीं समझ आए, बात क्लियर है, सर कर लेंगे। चलो अब मैं इसे सेव कर लेता हूं और अब इसे क्लियर करते हैं और अगले मॉड्यूल पर। क्या हो रहा है, ये जो एमसीक्यू है, द ए सी सिस्टम इज प्रेफर टू डी सी सिस्टम, यानी अल्टरनेटिंग करंट वाला सर्किट हम प्रेफर करते हैं। देखो ना, वाटर वाला भी अल्टरनेटिंग करंट है, हमारी बहुत सारी डिवाइसेज अल्टरनेटिंग करंट पे काम करती हैं, ठीक है। इज प्रेफर टू डी सी सिस्टम, डी सी सिस्टम के मुकाबले डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट बैटरी पे चलाने की बजाय हम इसको ए सी को प्रेफर करते हैं, इसकी क्या वजह है? बिकॉज पहला क्या है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सी वोल्टेज कैन इजली बी चेंज इन टू मैग्नीट्यूड, दूसरा डीसी मोटर एंगुलर वेलोसिटी इज अफेक्टेड बैडली, ये पता कहां से आ गया, हाई वोल्टेज ए सी ट्रांसमिशन इज लेस एफिशिएंट, अल्टर ए सी की हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इज लेस एफिशिएंट है, डोमेस्टिक अप्लायंसेस रिक्वायर्ड ए सी वोल्टेज फॉर देयर प्रोपेगेशन, सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें ए है, क्योंकि हमारे पास सारी डिवाइसेज एक ही वोल्टेज पे काम नहीं करती, मुख्तलिफ वोल्टेज पे काम करती है, हैवी मशीनरी होगी, घर के जो हमारे पास डिवाइसेज हैं वो वोल्टेज पर है, जो हम नॉर्मली एक कितने 220 वोल्ट पे काम करती है। फिर स्टेप आपने ट्रांसफार्मर मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, तो उसमें आपको पता है स्टेप अप करने से हमारे पास क्या हो जाता है, वोल्टेज बढ़ाने से, स्टेप अप करने से हमारे पास उसमें जो जिनमें ट्रांसमिशन हो रही होती है बड़ी वाली, ये जो बड़े बड़े खंभों में जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें पावर लॉसेस हमारे पास कम हो जाते हैं और वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। ये जो सी है ना, वो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इज लेस एफिशिएंट, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि हम खुद खुद चाहते हैं कि वो स्टेप अप वोल्टेज हो जाए ताकि हम उसके वोल्टेजेस को वोल्टेज बढ़ जाएगा और हमारे पास करंट कम हो जाता है। करंट कम होने का मतलब है हीट जो लॉस होता है, H = I² R T, जो होता है हीटिंग, उस वजह से हीट लॉसेस कम हो जाते हैं। ठीक है,
ठीक है, फिर टीवी वगैरह के अंदर स्टेप डाउन कर देते हैं, क्योंकि टीवी बस 220 वोल्ट दे रहा है वापडा वालों से, लेकिन उसमें पहला कंपोनेंट ही जो लगा होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन उसकी वोल्टेज को 220 से आमतौर पर 100 वोल्ट कर देता है। 100 वोल्ट का क्या मतलब होता है, क्योंकि उसके अंदर की जो सर्किट है वो 100 वोल्ट पे काम करने के लिए बना हुआ है। तो एसी को हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, और यही इसको सबसे बड़ा एडवांटेज है ओवर डीसी। हाँ भाई बात समझ आई, आपने ऑप्शन कौन सा रखना है, ए बोलो, समझ आई? यस सर। मरियम आपकी नवाजिश है, कसम से बोल तो रही है, बाकी को पता नहीं क्या है, सिग्नल का मसला है कि क्या है। मैं आपका, आप मेरे लिए बहुत बड़ी मोहसिन है जो मुझे कुछ फीडबैक दे रही है और मुझे कुछ समझ भी आ रही है कि मैं आगे बोलूं। चलो भाई सर जी, मैं उड़ा हुआ था सर, ये दूसरा वाला सर, जरा फिर से बता दे सर। मनोज आदमी अभी पढ़ाना ही दूसरा है। अ कैपेसिटर इज प्रेफरेबली, सॉरी, इज परफेक्टली इंसुलेटर फॉर, चलो बोलो भाई, सारे अपने अपने ऑप्शन बोलो, तब मैं आगे अपना यही तरीका अपनाता हूँ, कोई नहीं एक दिन और से। सेकंड का क्या आंसर होगा सर, डीसी करंट? मरियम ने कहा डायरेक्ट करंट डीसी जी, बाकी भी बोलो। उमरा, उमरा, मोइज, वासिक, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, इसका आंसर डायरेक्ट करंट ही है। वजह कोई बता सकते हैं आप में से, वजह? कैपेसिटर में जो करंट पास करता है ना, वो करंट पास करता है बिकॉज ऑफ कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से करंट पास करता है। जबकि डीसी जो होता है, डीसी जो होता है हमारे पास, डीसी बैटरी, वो हम क्या देंगे, बैटरी से देंगे, जिसकी एक साइड की पोलैरिटी हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, और दूसरी साइड की हमेशा क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। सही, यहां पर अगर मैं ये से ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया इधर, और इधर वाले को मैंने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, सॉरी, नेगेटिव के साथ, इस वजह से क्या होगा, ये प्लेट रहेगी पॉजिटिवली चार्ज और ये क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज। जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा उस वक्त इधर पॉजिटिव है, इस जगह पर पॉजिटिव आएगा तो इधर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, फिर आउटर साइड पर पॉजिटिव आएगा और करंट फ्लो करेगा। लेकिन जब ये कैपेसिटर सारा का सारा चार्ज होगा, इस पर सारा पॉजिटिव हो जाएगा, इस दूसरी प्लेट पर सारा नेगेटिव आ जाएगा, तो फिर हमारे पास उस पर मजीद चार्ज जब नहीं जाएगा तो उसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो जबकि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, उसमें वोल्टेज के चेंज होने की वजह से कैपेसिटर कंटिन्यूअसली चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है, और वो करंट के फ्लो, चार्जेस के फ्लो की वजह बनता रहता है। जबकि कैपेसिटर एक दफा चार्ज हो जाए तो फिर उसके बाद वो डिस्चार्ज जब तक हम नहीं करेंगे, खुद नहीं करेंगे, तो वो खुद ब खुद करंट पास नहीं करेंगे। इसलिए कैपेसिटर इज परफेक्टली इंसुलेटर फॉर डायरेक्ट करंट, समझ में आ रही बात? इसलिए अल्टरनेटिव करंट को रोकने के लिए सबसे बेहतरीन, जिसे हम प्रेफर करेंगे डिवाइस, वो हमारे पास क्या है, इंडक्टर है। ठीक है जी। हाँ भाई, लड़कियों समझ आई? यस सर। लड़कों समझ आई है? आहो सर जी। यस सर। मेहरबानी। नंबर थ्री क्या है? The peak value of alternating current is this, mean square value. Mean square value of the current will be mean square value. इसमें वो root mean square value नहीं कह रहे, mean square value कह रहे।
ठीक है, मीन स्केयर वैल्यू, अब मेरे पास भी टाइम कम है, ये जरा देखें, जरा देखो आपकी बुक में रूट मीन स्केयर है या मीन स्केयर है, ये देखो पीक वैल्यू है 5 अंडर रूट 2, ये अभी मैं इधर से आपको बता रहा हूं, ये आई नॉट पीक वैल्यू 5 अंडर रूट 2, हमें क्या चाहिए रूट मीन स्केयर वैल्यू, मुझे इसके लिए इसको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, 2 मिनट सिर्फ आप लोग, एक सिर्फ चंद सेकेंड, देखो आरएमएस वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, इसमें सबसे पहले स्केयर, एस फॉर स्केयर होते हैं, एम फॉर मीन होते हैं और आर फॉर रूट होते हैं, ठीक है, तो मीन स्केयर जो वैल्यू थी उसका हमने रूट लिया होता है, ठीक है, उससे पहले हमने क्या किया होता है, जो मीन वैल्यू होती है उसका स्केयर लिया होता है, समझ में आ रही बात, जो मीन वैल्यू होती है उसका हमने क्या लिया होता है, स्केयर लिया होता है, ये सही है, तो अब ये आप लोगों ने याद रखना है कि रूट मीन स्केयर वैल्यू से मुराद क्या होती है, कि मीन स्केयर वैल्यू का जो मीन वैल्यू है, जो मीन वैल्यू उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये मीन वैल्यू है एंगल ब्रैकेट से और उसका स्केयर और अंडर रूट, जैसे यहां पर ये लिखा है, ठीक है, तो ये रूट मीन स्केयर वैल्यू, सही, अब जरा ये देखना है जो हमारे पास रूट मीन स्केयर वैल्यू कितनी होती है, हमें क्या चाहिए, मीन स्केयर वैल्यू चाहिए, मीन स्केयर वैल्यू, ठीक, तो मीन स्केयर वैल्यू जो होती है, मीन देखिए क्वेश्चन क्या है आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में, किसी के पास टेक्स्ट बुक है तो मुझे टेक्स्ट बुक में जरा क्वेश्चन को रीड करके दे जल्दी से, अच्छा पीक वैल्यू कितनी है, मैं इसको ऐसे हल करता हूँ 5 अंडर रूट 2, अब मीन वैल्यू को मैं हल करने की तरफ जा रहा हूँ, 5 अंडर रूट 2, अब सबसे पहले इसकी एवरेज लें, अगर हम एवरेज वैल्यू लेंगे तो आपको पता है एक हम वैल्यू 0 दे देते हैं क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है, उसकी वैल्यू 2 ही होंगी, एक 0 मिनिमम और मैक्सिमम, ये पीक वैल्यू आ गए 5 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, ये मीन वैल्यू आ गई, फिर ये मीन वैल्यू अब हमारे पास कितनी आ गई 5 अंडर रूट 2 ओवर 2, फिलहाल ऐसी लेंगे, अब हमने इस मीन वैल्यू का क्या लेना है, स्केयर लेना है, इस वैल्यू का अगर मैं स्केयर लूं तो 5 अंडर रूट 2 ओवर 2, तो इसका स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5 का स्केयर 5 स्केयर लिख देता हूं और 2 अंडर रूट इसका स्केयर डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर, ठीक है, तो ये जरा गौर से करना, देखना जो क्वेश्चन है उसके लिहाज से क्या आता है और वैसे क्या, 5 का स्केयर ऊपर क्या है हमारे पास, ये इधर देखो ये स्केयर अंडर रूट कैंसिल होगा तो सिर्फ 2 रह गया और नीचे ये 2 का स्केयर, ये 2 और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 5 का स्केयर डिवाइडेड बाय 2 ये आंसर आना चाहिए, अगर ये क्या है, अब ये है मीन पहले लिया है और फिर उसका स्केयर लिया है, यानी दिस इज मीन स्केयर वैल्यू ऑफ द करंट आई एम एस रूट मीन स्केयर वैल्यू, लेकिन जो आपके बुक में आंसर बनते हैं क्या इनमें से कोई ऑप्शन दिया हुआ है, ये 5 स्केयर ओवर 2 है कोई ऑप्शन, क्या कोई ये ऑप्शन है, नो सर 5 स्केयर ओवर 2 नहीं है, या 5 स्केयर ओवर 2 ये तो हमारे पास बनेगा 12.5 समथिंग, सही है ना, तो हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ पर बन रहे हैं वो सिर्फ एक के लिए बन रहा है और वो किसके लिए बन रहा है, 2 के लिए बनाया सकते, मसलन 5 अंडर रूट 2 है तो इसकी जो रूट मीन स्केयर वैल्यू है वो हमारे पास ये बन रही है, ये बात समझ में आ गई, जो अगर मीन स्केयर वैल्यू लेनी है तो वो 5 स्केयर ओवर 2, ये जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर क्या होना चाहिए, रूट मीन स्केयर वैल्यू, और अगर मीन स्केयर वैल्यू आए तो आपको ये याद होना चाहिए कि इस तरीके से हमने सॉल्व करना है 25 ओवर 2
ये कितना बन जाता है 12.5 होता है। यहीं से हम इंशाल्लाह कल आगे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नंबर 4 पे इन चोक काइल। अब ये जो चोक काइल है ये इसका मैं बता देता हूं, क्योंकि इंडक्ट बल्कि ये चोक काइल जो है ये याद रहना, ये क्या होता है इंडक्टर ही होता है, लेकिन ये प्योर इंडक्टर नहीं होता। प्योर इंडक्टर ना होने की वजह से तो जो कायल होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के एटम के साथ कोलियंस भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से कायल और उसकी जो कायल की जो इंडक्टेंस है वो अपनी रिएक्टेंस की वजह से करंट को अपोज करती है, इलेक्ट्रॉन के एटम के साथ कोलियंस की वजह से उसमें रेजिस्टेंस भी आ जाती है, और रेजिस्टेंस और इंडक्टर जो होते हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी इन सीरीज। ये मैंने जब लेक्चर दिया था तो उसके अंदर आपको पढ़ाया भी था शायद। तो ये R और L दे आर कंसिडर्ड टू बी इन सीरीज। तो जब सीरीज में हो तो फिर याद रखना कि आप लोगों को पता है, अब ये बात सुनना, कि जो रिएक्टेंस है यानी इंडक्टर है उसमें जो वोल्टेज होता है अक्रॉस द इंडक्टर वो करंट को क्या करता है, लीड करता है। वो करंट को क्या करता है हमारे पास, लीड करता है VL। जबकि रेजिस्टर जो होता है उसमें करंट और वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर वो हमेशा इन फेज होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं, उनके दरमियान कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। और अब अगली बात कि जो वोल्टेज की डायरेक्शन है वही हमारे पास रिएक्टेंस की होगी या रेजिस्टर की होगी। वी एल ऊपर की तरफ है तो एक्स एल भी हमारे पास ऊपर की तरफ होगा, ठीक अलॉन्ग वाई एक्सिस है, और जो रेजिस्टर है वो हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, जिस डायरेक्शन में वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर मौजूद होगा। ठीक है, अब मैं दोबारा जरा आपको ये बता दूं, दोबारा सुन लो कि हमारे पास जो चोक कायल होती है, चोक कायल, चोक ये बेसिकली क्या है, कायल है, लेकिन ये रियल कायल है, ये प्योर कायल नहीं है। प्योर कायल वो होती है जिसमें सिर्फ करंट अपोज हो रहा हो अपनी रिएक्टेंस की वजह से, बैक ईएमएफ पैदा कर दी, लेकिन ये प्योर कायल नहीं है। ये कौन सी कायल है, ये हमारे पास रियल कॉइल है, दिस इज रियल कॉइल, ठीक होगा। तो जब ये रियल कॉइल है तो इसका ये मतलब आ जाता है कि इसमें करंट अपोज होगा इंडक्टेंस रिएक्टेंस की वजह से भी, एक्सएल की वजह से भी, बैक ई में पैदा करके, और इलेक्ट्रॉन के एटम के साथ बोलिए, जब इलेक्ट्रॉन वायर में से गुजरेंगे तो इलेक्ट्रॉन एटम के साथ कोलाइड भी करेंगे। ठीक है, मैं कह रहा था तुम्हें आगे बोला खास ना नहीं, अब नहीं ना जी। तो ये जो हमारे पास रेजिस्टर है इधर पीछे आ गया नजर आपको सही आ रहा है, आगे हो गया, कोई नहीं कोशिश करना है, वीडियो बना के ड्रम बना के अभी भी कोई कर सकता है, दो नंबरी है यहाँ पर। तो ये जो रेजिस्टर होता है इसका यानी जो रियल कॉइल है उसमें रेजिस्टेंस भी है और उसमें रिएक्टेंस भी है। तो रेजिस्टर में जो इसका रेजिस्टेंस वाला इफेक्ट होगा उसके लिए वोल्टेज और करंट आपस में इन फेज होंगे, और जो डायरेक्शन वोल्टेज की होती है वही डायरेक्शन रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस लेती है। वी आर अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो रेजिस्टेंस का वेक्टर अगर मैं बनाऊंगा तो वो भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस बनाऊंगा। जबकि हमें पता है कि इंडक्टर के अंदर करंट को वोल्टेज लीड करता है बाय द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, तो वोल्टेज अलॉन्ग वाई एक्सिस बनाएंगे तो एक्स एल भी अलॉन्ग वाई एक्सिस बनेगा। तो इसलिए अब याद रखें कि वी एल ऐसे तो एक्स एल भी इसी डायरेक्शन में, और हमारे पास आर अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एल और ये हमारे पास आर। ठीक है, तो अब इन दोनों के दरमियान हमारे पास जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पर सवाल तो मैंने पढ़ा ही नहीं है,
इन चोक कॉइल द रिएक्टेंस एक्सएल एंड रेजिस्टेंस आर, क्या है जी? एक्सएल इज इक्वल टू आर, नहीं। एक्सएल इज इक्वल आर लेस देन आर, ये भी नहीं, ये हो भी सकता है। और तीसरा क्या है, एक्सएल इज ग्रेटर ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस, एक्सएल इज इक्वल टू इनफिनिट। हम चाहते क्या है चोक कॉइल के अंदर कि हमारे पास करंट अपोज हो, लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से नहीं, बल्कि किसकी वजह से, रिएक्टेंस की वजह से। किसकी वजह से? रिएक्टेंस की वजह से। तो इसलिए आर जो होगा दैट विल ऑलवेज बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रिएक्टेंस। और आइडियल जो चोक कॉइल होती है उसमें रेजिस्टेंस जीरो होती है, और रियल कॉइल में थिक कॉपर वायर बनाते हैं जिसकी वजह से ये हमारे पास नॉट जीरो बट वेरी स्मॉल। तो असल में जो होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन, वो क्या होना चाहिए, एक्सएल लेस देन आर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो सबसे सूटेबल है वो हमारे पास यही बन रहा है। ठीक है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा डिटेल है, मैं फजूल आगे चला गया, बताओ क्या आपको समझ आ गई? बोलो यार। यस सर। एक को समझ आ गई और? यस सर। बड़ी मेहरबानी। दो? बड़ी मेहरबानी। और? यस सर, समझ आ गई। थैंक यू सो मच। और मोइस रहता है? जी सर, समझ आ गई। यस सर। और अलिश बाग की होगी ये बात? यस सर, आगे सर। ठीक है, और राबिया सर से पूछने की जरूरत ही नहीं है। एक्स इंडक्टर में हमने करंट को कंट्रोल कर, मैं थोड़ा सा और एक बात बताऊं, इंडक्टर में जब रिएक्टेंस की वजह से करंट को कंट्रोल करते हैं तो कोई पावर डिसिपेशन नहीं होती, हीट जनरेट नहीं होती, और इलेक्ट्रॉन के अटैक सब रिएक्टेंस की वजह से हीट जनरेट होती है। और हम यही चाहते हैं कि इंडक्टर में रिएक्टेंस की वजह से करंट कंट्रोल हो ताकि पावर डिसिपेशन हो, एनर्जी लॉस ना हो। रेजिस्टर हमने कम, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस हमने इसके जो रेजिस्टेंस वाले इफेक्ट वो बहुत कम रखना है ताकि हीट लॉस मिनिमाइज हो। ठीक है जी, चलें जी अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये आपके नहीं है, इन एसी सिस्टम नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूं, वी कैन जनरेट साइन वेव फॉर्म बिकॉज इट कैन इजली बी ड्रॉन, इट इज अ नेचर स्टैंडर्ड। फिर क्या है जी, इट प्रोड्यूस लीस्ट डिस्टर्बेंस इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, अदरवाइज वेव्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इजली। हाँ जी, सारे ही फजूल ऑप्शन से दिए हुए हैं, क्या बनता है भाई? इसकी डिस्टर्बेंस लीस्ट हो सकती है मेरे ख्याल में, और क्या क्या हो सकता है? Alternating voltage is given by this equation. क्या है alternating instantaneous value? क्या है 20 sin of, टेक्स्ट बुक में देखिए 157 T है या 115 pi T है, the frequency of the alternating voltage is, alternating voltage की frequency बताएं। ठीक है, अब आपको पता है कि जो standard equation है वो ये बनती है, V is equal to Vm sin of 2 पाई एफ टी। तो यहां पर 157 टी है, इधर 2 पाई एफ टी है, तो साइन के आगे एंगल, इधर भी साइन के आगे एंगल, एंगल को बराबर कर दें आपस में, 2 पाई एफ टी इज इक्वल टू 157 टी। तो यहां पर टी से टी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 2 पाई की वैल्यू 3.14, एफ 157, तो F जो है वो क्या हो जाएगा 157 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 3.14। ठीक है, तो अब जरा देखो ना, ये 2 से डिवाइड करें तो ये आधा हो जाएगा, कितना हो गया 7, 2 7 जार 14, 2 8 जार, तो ये तकरीबन ये आ गया, 3.14 को 3 समझें तो ये 3 2 जार 6 और 136, ये 26 हर्ट्ज के आसपास जो आंसर है, तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ये 25 हर्ट्ज होना चाहिए। बात समझ आ गई? समझ आ गई? यस सर। साथ ये भी मैंने बताया कि साल कैसे करना है एमसीक्यू के लिए, क्लियर हो गया? यस सर। यस सर, हो गया। चले जी, ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ये एल आर आपके इसका सर्किट का नहीं है।
अल्टरनेटिंग क्वालिटी वोल्टेज अगर कंप्लीटली नोन एज एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वोल्टेज आर करंट इज कंप्लीटली नोन इफ वी नो इट्स क्या बोला मैक्सिमम वैल्यू फ्रीक्वेंसी एंड फेज इफेक्टिव वैल्यू बोथ ए एंड बी बताओ भाई कौन सा आंसर होना चाहिए बताओ भाई जो अगर बैठे हो कोई मुझे एक आंसर बताओ बोलो मरियम बोलो बाकियों से तो उम्मीद ही नहीं है सर मैक्सिमम वैल्यू भी पता होनी चाहिए और फ्रीक्वेंसी भी साथ और फेज भी बोथ ए एंड बी की बात कर रहे हैं आप यस सर चलो ये मरियम ने बता दिया अब आप लोग बताएंगे अलिशबा बताए या अहमद बताए दोनों बहनें मिल के बताएं कि ये बात हम किस वजह से कह सकते हैं और अभी अभी आपको पता भी चला है अभी अभी हमने इस बात को लिखा दिया है थोड़ी देर में जल्दी बोलो ना यार कितने की क्लास हो गई 7 बजे टाइम है बोलो यार इफेक्टिव वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है सर बोथ ए एंड बी ऑप्शन नहीं सर इफेक्टिव वैल्यू भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखिए ना सबसे आसान जो बात है अभी जो मैंने आप लोगों को कहा कि अभी हमने इस चीज को हल भी किया है ये अभी मैंने अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन लिखी V इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ 2πft लिखी है ना तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज अगर हमने मालूम करनी है ठीक है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी मालूम करनी है जो चेंज होती रहती है करंट की भी ऐसी इक्वेशन है क्या इक्वेशन I इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ 2πft ठीक हो गया ना तो जब हमारे पास ये मैक्सिमम वोल्टेज पता होगा और फ्रीक्वेंसी पता होगा और टाइम हम कोई भी रख सकते हैं इंस्टेंटेनियस टाइम है 1 सेकंड 2 सेकंड मिली सेकंड 10 माइक्रो सेकंड जो भी हम यहाँ पर टाइम रखेंगे सिर्फ फ्रीक्वेंसी पता हो और मैक्सिमम वोल्टेज पता हो या मैक्सिमम करंट पता हो फ्रीक्वेंसी पता हो तो हम इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की कोई भी वैल्यू मैयर कर सकते हैं ये बात समझ में आ गई सबको ये ऑप्शन बोथ ए एंड बी क्यों है समझ आ गया यस सर और जी सर समझ आ गया इफेक्टिव वैल्यू जो है यानी आरएमएस वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं वो क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट 2 जो इफेक्टिव वैल्यू है ठीक है उससे तो हमें सिर्फ मैक्सिमम वोल्टेज के बारे में पता चलेगा उसमें करंट की इंस्टेंटेनियस या अल्टरनेटिंग या वोल्टेज की अल्टरनेटिंग इंस्टेंटेनियस नेचर के बारे में हमें नहीं इंफॉर्मेशन पता चलेगी बात क्लियर होगी एमसीक्यू समझ में आ गया आगे होगा वासिक क्लास में है ओ वासिक जिस प्लेस को मेरी नजर लगी बेचारे को हा जी आगे ये 2 आपके उसके नहीं है ये 13 है आपके सिलेबस में द सर्किट इन विच करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज द पावर फैक्टर इज पावर फैक्टर होता है पावर का फार्मूला है ना अल्टरनेटिंग सर्किट्स के अंदर पावर का बेसिक फार्मूला है P इज इक्वल टू वी आई कॉस ऑफ थीटा ये जो कॉस थीटा है इस इक्वेशन में इसको हम क्या कहते हैं पावर फैक्टर कहते हैं ठीक है पावर फैक्टर कहते हैं पावर फैक्टर इसमें थीटा जो है थीटा ये एंगल है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट ठीक है तो जब वो कह रहे हैं इन फेज का मतलब है थीटा 0 होगा तो फिर पावर फैक्टर कॉस थीटा का 0 ये हमारे पास 1 होगा दिस इज बी
ठीक है, तो ये एमसीक्यू नंबर 13 आपके इसमें आ जाएगा। किसी का सवाल है तो प्लीज पूछें। फातिमा आप क्लास में आ गई हैं? यस सर। क्लियर है ये वाला पावर फैक्टर वाला एमसीक्यू लास्ट? नेट का इश्यू है क्या है? उसामा क्लियर? जी सर क्लियर है सर। ठीक है मोइज? यस सर। चले और उम्रा आप ही बता दें। उम्रा आवाज पहुंच रही है तो बता दें ये एमसीक्यू समझ आ गया आपको? और यस सर। ठीक होगी। और राबिया सर से मैं वैसे एहतियातन पूछ लेता हूँ, अगर उसको आवाज पहुंचे और दिल करे बताने का तो मुश्किल है। चले आगे बढ़ते। वासिक का तो इशू हो गया है, बेचारे को मेरी नजर लग गई। हाय हाय जालिम इंसान तुमने क्या किया। जी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे आ जाएं। देखें इसमें जो समझने वाले सवाल है ना, पहले मैं उन पर जाता हूं, मैं देखता हूं कोई समझने वाला सवाल है। पहला सवाल आपके उसमें आ जाएगा, ठीक है करना चाहिए। इसके तीन पार्ट्स हैं। ठीक है 4, 5, 6 भी करना चाहिए। चलें जी करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले सी करते हैं। देखें पहला सवाल कोई कर ही लेते हैं। स्केच अ ग्राफ, ये वन के क्वेश्चन नंबर वन की मेरे ख्याल में तीन पार्ट्स हैं, ठीक है। ये ए पार्ट इसका, स्केच द ग्राफ ऑफ ए स्केच अ ग्राफ ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन एन इंडक्टिव कॉइल एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट वर्सेस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ओवर। What is the significance of this gradient? इस ग्रेडियंट की, इसके ग्रेडियंट की सिग्निफिकेंस क्या हो? सबसे पहली बात कि EMF हम लेंगे along y axis ऐसे, rate of change of current जो इन दो क्वांटिटीज के मैं ग्राफ बना रहे हैं वो हम लेंगे along x axis, ठीक है। ईएमएफ अलांग वाई एक्सिस ले रहे हैं और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हम ले रहे हैं अलांग एक्स एक्सिस। भूल जाओगे इधर एक्सप्लेनेशन में मैंने क्या लिखा हुआ है। आप ये देखें कि एक कॉयल है, उसमें जब हम करंट कम या ज्यादा करते हैं तो कॉयल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो उसके अंदर क्या पैदा होगी, ईएमएफ। अब करंट जितना तेजी से मैं चेंज करूंगा उतना ज्यादा उसमें ईएमएफ की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होती जाएगी। यानी ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, करंट चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा कॉइल के अपने अंदर, उसके अंदर ईएमएफ पैदा होगी। लेकिन जितने कम टाइम में हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतनी ज्यादा ईएमएफ होगी। इसलिए ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब देखो अगर मैं दो तीन ग्राफ ऐसे बनाऊं, देखो ऐसे मैं ग्राफ बना दूं ईएमएफ और इसका भी ऐसे ही बना दूं, ठीक है, और एक मैं तीसरा ग्राफ भी बना देता हूं ऐसे स्ट्रेट लाइन का, तो इनमें से सबसे सूटेबल ग्राफ कौन सा नहीं है, वो ये वाला है। कौन सा? दिस वन, ये वाला। क्यों भला?
उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये बता रहा है कि जैसे जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बढ़ रहा है तो ईएमएफ पहले तो बढ़ी लेकिन फिर उसके बाद क्या होना शुरू हो गई है, कम होना शुरू हो गई। इसलिए ये नीचे वाला जो ग्राफ है दिस वन, ये मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के बढ़ने से ईएमएफ की वैल्यू भी बढ़ती है। क्लियर होगी बात? अब इसके बाद ये दो ग्राफ है, ये दोनों एक ही बता रहे हैं, ठीक है। पहले इस ग्राफ पर आ जाए, ये जो ग्राफ है, ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये हमें क्या बता रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को मैं डबल करूंगा तो ईएमएफ भी डबल हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को मैं तीन गुना बढ़ाऊंगा तो ईएमएफ, तब वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगा जब दोनों में एक जैसा इन चेंज आएगा, दोनों में एक जैसा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो फिर जो मैथ के स्टूडेंट उन्हें पता है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ग्रेडियंट उसका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है चेंज ऑन वाई एक्सिस ओवर चेंज ऑन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे यहां पे चेंज हो रहा है ईएमएफ और एक्स एक्सिस पे चेंज हो रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है। और जो स्ट्रेट लाइन होती है उसके लिए जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है और फर्स्ट ईयर में मैंने ग्राफ पढ़ाए हुए थे, अगर वो उनको आता है तो फिर भी उनको ये बात पता होगी एक्सेलरेशन कांस्टेंट वगैरह जो हमने कैलकुलेट किया था। ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लिखा है, स्ट्रेट लाइन वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसकी एक ही वैल्यू होती है, ठीक होगी बात। जबकि जो हमारे पास ये जो कर्व है, जैसे ये वाला हमारे पास कर्व है, इसमें हमारे पास स्लोप क्या हो रहा है, वो ज्यादा हो रहा है, इसका स्टीपनेस हमारे पास ज्यादा हो रही है, इसकी स्लोप ज्यादा और इसका ग्रेडियंट ज्यादा हो रहा है। ग्रेडियंट ज्यादा होने का क्या मतलब है? ग्रेडियंट ज्यादा होने का ये मतलब है कि इसका जो भी हमारे पास स्लोप होगा, जो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। जैसे एक कैपेसिटर जो होता है फिक्स कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस कांस्टेंट होती है, इसी तरीके से जो एक इंडक्टर होता है उसकी एक कांस्टेंट इंडक्टेंस ये भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्लियर होगी बात? अब इस इक्वेशन पर गौर करें, ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस की इक्वेशन है, ठीक है। E इज इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा डी, इसमें से एल कांस्टेंट होता है इक्वल साइन प्रोपोर्शनैलिटी में, तो ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा आई ओवर डेल्टा डी। यही बात मैंने यहां पर भी लिखी है, अभी जो आप लोगों को मैंने बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इंडक्टर में ज्यादा होता जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यहां पर हमारे पास ज्यादा होता जाएगा तो इसके अंदर क्या होता जाएगा, ईएमएफ की वैल्यू भी ज्यादा होती जाएगी। ये फिर मैंने लिखा ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। फिर मैंने ये कहा आप लोगों को अब कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वल में चेंज करें, तो एल कांस्टेंट आ गया, डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, तो यहां पर एल किसके बराबर आ जाएगा, ये डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा आई ओवर डेल्टा डी, ईएमएफ ओवर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इन दोनों की रेशियो क्या आ रही है, एल के बराबर आ रही है, और एल क्या है, यहां पर इक्वेशन का कांस्टेंट है। और यहां पर मैंने आप लोगों को क्या बताया, यहां पर मैंने आप लोगों को क्या बताया है, मैंने ये बताया है इस साइड पर कि ईएमएफ ओवर डेल्टा आई ओवर डेल्टा डी अगर ग्रेडियंट स्ट्रेट लाइन है तो वो तब उसका कांस्टेंट आता है, और यहां पर E ओवर ईएमएफ ओवर डेल्टा ओवर डेल्टा डी L यानी कांस्टेंट है। समझ में आ रही बात? तो ग्रेडियंट ऑफ इस दिस ग्राफ, कौन सा ग्राफ, जो हम ग्राफ बनाएंगे ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के दरमियान, वो ये दो ग्राफ पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। लेकिन अब ये ग्राफ खत्म हो गया, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आएगा, क्यों स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आएगा, क्योंकि हमारे पास इसमें जो इसकी जो ग्रेडियंट है, इस ग्राफ का ईएमएफ और डेल्टा ओवर डेल्टा टी का जो ग्रेडियंट है वो सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर आ रहा है, एल के बराबर आ रहा है, और वो क्या है, दैट इज कांस्टेंट। तो दैट ग्राफ मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया। मैं थोड़ा सा इसको दोबारा रिवाइज कर दूं, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हम जैसे मैंने क्वेश्चन में कहा कि ईएमएफ और डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी
इन दोनों के दरमियान ग्राफ बनाए और फिर उसकी ग्रेडियंट की सिग्निफिकेंस बताए, तो फिर वो जो ग्राफ है वो मैं कह रहा हूँ वो क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन क्यों होना चाहिए, मुझे मैं इस वजह से ज्यादा वक्त लगा रहा हूँ कि आपने ये वाली इक्वेशन पढ़ी नहीं सिलेबस में, तो मैंने दूसरे तरीके से आप लोगों को बताया कि ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन इक्वल में चेंज करें, एल कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा, डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, तो ये एल किसके बराबर आ जाएगा, ईएमएफ ओवर डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो ये जो एल है ये कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी, ऐसे हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। तो अगर मैं स्लोप लूं इस ग्राफ का, स्लोप या जिसे हम क्या कहते हैं ग्रेडियंट, क्यों ग्रेडियंट ऑफ ईएमएफ वर्सेस डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, इस ग्राफ का अगर मैं ग्रेडियंट लूं तो वो क्या होगा, चेंज ऑन वाई एक्सिस ओवर चेंज ऑन एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे चेंज होना है ईएमएफ नहीं और एक्स एक्सिस पे है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, तो वो ये ग्रेडियंट है और हमें पता है कि इसका ये वाला जो ग्रेडियंट है ये फिर किसके बराबर आना चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल टू एल जो क्या है कांस्टेंट है, तो इसका ग्रेडियंट एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी और कांस्टेंट के लिए ग्राफ क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन, वो हमारे पास ऐसे कोई कर्व अप या कर्व डाउन नहीं हो सकता। तो अब ये सवाल उम्मीद है आप लोगों को याद हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो स्लोप है या ग्रेडियंट है वो हमें किसकी वैल्यू देता है, कॉयल की सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू देता है। बोलो यार, जिसको कंसेप्ट समझ में नहीं आया वो मेरे से पूछे यार, प्लीज पूछे। इसका बी पार्ट जो है वो क्या है, एक्सप्लेन why it is difficult to measure the rate of change of current, current ke rate of change of current ko measure karna kyun mushkil hai, aisi sawal hai aapki book mein, rate of change of current ko measure karna kyun mushkil hai, ye main answer read kar raha hu, dekhiye current is sometimes little harder to measure the voltage because ammeter usually needs to be inserted in between the break in the line carrying the current in series rather than just connected across the two points in the circuit। ठीक है जी, क्या बोला कि ये हमारे पास बल्ब है, अब ये भी पता नहीं क्या इस चक्कर में दिए होते हैं, हाँ जी, तो ये बल्ब है, ये ऐसे सर्किट मुकम्मल है, तो यहाँ से करंट पास हो रहा है, मैं चाहता हूँ इस बल्ब में से जो करंट पास हो रहा है वो मेजर करूँ, तो मेजर करने के लिए मैं क्या करूँगा, एम मीटर लगाऊंगा, एम मीटर, तो वो एम मीटर में कैसे लगाऊंगा, इसके साथ ऐसे सीरीज में लगाऊंगा, तो वो पहले मुझे सारा सर्किट तोड़ना पड़ा, सर्किट ब्रेक करके वहां पर दरमियान में एम मीटर लगाऊंगा और उससे हमारे पास करंट मेजर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आज तक बड़ा आसान है, वो क्या है कि किसी भी वायर में करंट पास हो रहा हो तो आज तक वो मिलते हैं हमारे पास मैग्नेटो मीटर जो करंट में वो ऐसे क्लोज लूप से होता है, यानी जैसे ये मेरी उंगलियां स्वयं है ना बंद, इसको मैं ऐसे ओपन करता हूँ, स्प्रिंग लगा होता है इसको ओपन करते हैं, वायर होती है, वायर वायर इसके ऊपर से गुजार कैसे उसे बंद कर देते हैं। ठीक है, अब उस वायर ये जब इस वायर में से ये जो वायर है इसमें से जब करंट पास हो रहा होगा अल्टरनेटिंग करंट, इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, ये जो रिंग ऊपर होता है ये रिंग मेटल का बना होता है, बाहर से प्लास्टिक लगता है ऊपर कवर होता है प्लास्टिक का, उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें क्या पैदा हो जाती है, ईएमएफ पैदा हो जाए, ईएमएफ से क्या होता है उसकी इक्वल अमाउंट का करंट पैदा होता है और वो उसके ऊपर डिजिटल मीटर होता है वो करंट मेजर करके दे देता है। तो आज जरा आज का जरा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, करंट तो मेजर हो जाता है, लेकिन अगली बात क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज जस्ट एन इंस्टेंटेनियस करंट ऑफ टू डिफरेंट करंट्स डिवाइडेड बाय द टाइम डेल्टा, तो अब वो अब करंट मेजर हो गया यहाँ से, तो अब हम क्या कर देते हैं वो दो मुख्तलिफ इंस्टेंट पर साफ वाच ऑन कर देते हैं, तो उसका पहले रेट ऑफ पहले चेंज इन करंट मेजर किया, फिर जितना टाइम में चेंज आया तो वो हमारे पर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है जो उससे अगली स्टेज है। तो करंट मेजर करना मुश्किल नहीं है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मेजर करना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल काम है। ठीक हो गया, वन का सी पार्ट, हाउ डू द ग्राफ बिटवीन ई एम एफ अगेंस्ट टाइम करंट अगेंस्ट टाइम मेक इट पॉसिबल टू मेजर द सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर होती है, एल इज इक्वल टू ई ओवर डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो मैं क्या कर देता हूं, देखो एक ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ लिया, ठीक है, ईएमएफ वर्सेस टाइम ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, फिर डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी इसके एक ग्राफ बनाया वो हमारे पास ऐसे है, इसकी स्लोप भी ले लें, इसकी स्लोप भी ले लें, दोनों की स्लोप आपस में डिवाइड कर, मैं क्या कह रहा हूं
देखो इधर, ठीक है, इसकी स्लोप लेंगे तो वो हमारे पास एक ईएमएफ की वैल्यू दे देगा, इसकी स्लोप लेंगे यार क्या इस ग्राफ की स्लोप लेंगे इस ग्राफ की, तो वो हमारे पास स्लोप क्या होगी, वो चेंज ऑन वाई एक्सिस करंट की वैल्यू डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू। देखें ये क्वेश्चन नंबर टू, आज इसे मुकम्मल करते हैं। करंट एंड वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय एन एसी जनरेटर आर समटाइम्स नेगेटिव एंड समटाइम्स पॉजिटिव। एक्सप्लेन व्हाई फॉर एन एसी जनरेटर कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर पावर कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, ये ए पार्ट की बात मैं कर रहा हूँ। तो देखो अगर मैं वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम लू तो ये भी साइनोसाइडल होता है ऐसे, तो ये समटाइम पॉजिटिव है और समटाइम्स नेगेटिव। ठीक हो गया। अगर मैं करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम निकालू तो ये भी साइनोसाइडल होगा, समटाइम पॉजिटिव समटाइम्स नेगेटिव। ठीक है, ये यहां पर नजर आ रहे नीचे ये जो डायग्राम बनी हुई है दोनों, सही है। अब मैं तीसरी डायग्राम बनाता हूं, वो हमारे पास किसकी है, वो हमारे पास पावर की होगी। पावर होता क्या है, पावर होता है ये P इज इक्वल टू वी आई, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है। पावर वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट है। अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर है तो किसी भी इंस्टेंट पर जो वोल्टेज है जो करंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस इंस्टेंट पर जो पावर डिसिपेट हो रही है वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पावर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये देखो वोल्टेज पॉजिटिव है करंट पॉजिटिव है, तो हमारे पास इन दोनों का ग्राफ ऐसे आ जाएगा पॉजिटिव में। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज नेगेटिव है करंट भी नेगेटिव है, नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई हो, नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो ये उतनी ही हमारे पास तरीके से पॉजिटिव आ जाए, सही है। तो नेगेटिव हाफ साइकल्स के लिए भी पावर क्या आ रही है हमारे पास पॉजिटिव आ रही है। क्लियर होगी बात, हाँ भी बात समझ आ गई। यस सर। अच्छा अब जरा इसको मैथमेटिकली हम देख लेते हैं। मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे यहां पर पावर एवरेज पावर के लिहाज से ये आरएमएस वोल्टेज आरएमएस करंट इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। वैसे पावर का क्या पूरा फार्मूला होता है, P इज इक्वल टू वी आई कॉस ऑफ थीटा। लेकिन आपको ये पता है कि वोल्टेज और करंट ये दोनों आपस में इन फेज होते हैं फॉर रेजिस्टर, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है जीरो आती है। तो पावर कितनी बनेगी, P इज इक्वल टू वी आई कॉस ऑफ जीरो। कॉस जीरो किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है, इसलिए ये हमारे पास पावर P इज इक्वल टू वी आई। ठीक हो गया। अब रेजिस्टर के लिए अगर हमने फाइंड आउट करना है तो मसलन ये V की मैं वैल्यू पुट कर दूं तो वी आर एम एस किसके बराबर होगा, ओम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर आर एम एस वैल्यू है वोल्टेज की तो करंट की भी आर एम एस वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या कर देता हूं, देखें इधर, मैं पावर की वी आई वी की जगह पर लिख दिया आई आर, साथ ये आई आई और आई मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। या आई की जगह पर अगर हमने वैल्यू लिखनी है तो आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, तो यहाँ पर v की वैल्यू i की जगह पर v ओवर r लिखेंगे तो ये बन जाएगा v स्क्वायर ओवर r। तो अब इन दोनों फार्मूलों में देखें, पावर अगर हमने रेजिस्टर के क्रॉस मालूम करनी है तो i स्क्वायर r फार्मूला यूज करेंगे या v स्क्वायर ओवर r। तो अगर वोल्टेज नेगेटिव भी होगा, अगर करंट यहाँ पर नेगेटिव भी होगा तो यहाँ से नजर आ रहा है कि स्क्वायर लेने से वैल्यू उनकी क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, इसलिए हमारे पास पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होगी।
हाँ भाई बात समझ आ गई आप सबको? यस सर। चलिए शुक्र है, ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। दूसरा जो हिस्सा है वो मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को, जरा देखो क्या है सवाल इसका बी पार्ट। एक्सप्लेन यूजिंग स्केच ग्राफ्स, यानी ग्राफ स्केच करें, व्हाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेरिएशन ऑफ पावर इन एन एसी जनरेटर इज ट्वाइस एज दैट ऑफ द करंट एंड वोल्टेज। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकल्स कंप्लीटेड इन वन सेकेंड, एक सेकेंड में कितने साइकिल मुकम्मल हो। साइकिल क्या होता है? ऐसी वैल्यूज का सेट जो रेपिटिशन से पहले ये हमारे पास साइकिल है, ठीक है। इसके बाद अब ये रिपीट होना शुरू हो जाएंगी सारी वैल्यूज, क्लियर होगी बात? इसके बाद ये वैल्यूज क्या हो रही है हमारे पास, रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब है कि यहां तक ये एक साइकिल है। अच्छा, यहां पर वोल्टेज का भी ऐसी अगर मैं साइकिल बनाऊं तो हमारे पास ये वोल्टेज का एक साइकिल आ गया। अब मैं आपसे कहता हूं मैं पावर का एक साइकिल बनाना चाहता हूं, तो पावर आपको पता है ना, पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव साइकिल्स के लिए भी वोल्टेज और करंट के हमारे पास पावर पॉजिटिव ही होगी। ये देखो ये मैं कह रहा हूँ ये पावर का एक साइकिल है। क्यों एक साइकिल है? क्योंकि इसके बाद अब इसकी वैल्यू क्या होना शुरू हो जाएगी, फिर अगेन पॉजिटिव साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो इस रेपिटिशन से पहले पहले ये जो अभी मैं और कलर बना देता हूँ, ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक साइकिल ऑफ पावर को। अब जरा देखो जितनी देर में ये करंट का एक साइकिल मुकम्मल हुआ या जितनी देर में ये वोल्टेज का एक साइकिल मुकम्मल हुआ है, पावर का उतनी देर में दो साइकिल मुकम्मल हो रहे हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, इसकी एफ है, तो इनके मुकाबले में इसके दो साइकिल मुकम्मल हो रहे हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ट्वाइस है, डबल है। क्या बात समझ में आ गई? मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप करंट वोल्टेज और पावर का जैसे ये मैंने बनाया है इस तरह का एक डायग्राम जरूर बनाइएगा, लाजमी बनाइएगा। और ये देखें इसको अगर मैथ में लिखना है तो हमें ये नजर आ रहा है, इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट वन साइकिल ऑफ पावर डिसिपेशन ग्राफ, ये पावर वाला जो ग्राफ है, इज कंप्लीटेड व्हेन द वोल्टेज एंड करंट हैव ओनली देयर टी एच आई आर देयर हाफ साइकिल कंप्लीटेड। जितनी देर में इनका हाफ साइकिल मुकम्मल होता है वोल्टेज और करंट का, पावर का एक साइकिल मुकम्मल हो जाता है। समझ में आ रही बात? फर्स्ट हाफ कंप्लीट है, आफ्टर दैट पावर ग्राफ स्टार्ट्स रिपीटिंग इट्स वैल्यू, देयरफॉर दैट्स व्हाई द पावर हैज ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू द वोल्टेज एंड करंट। इतना सा काफी है, आगे मैथ वाले पोर्शन बेशक में लिखिएगा और सारी ग्राफ बना लें। क्लियर है सबको? यस सर। चलें, मोहित समझ आ गई, इसहाक समझ आ गई? यस सर। चलें ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिटरमिन्स द ग्रेडियंट ऑफ ए ग्राफ ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यहां पर ऐसा ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट, कि अगर हम रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ग्राफ बनाएं तो हमें क्या मेजर करके देगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अलॉन्ग वाई एक्सिस ले रहे हैं, सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस है, फ्रीक्वेंसी अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले रहे हैं, इसकी ग्रेडियंट क्या बनेगा, ग्रेडियंट जो भी इसकी ये लाइन बन रही है, जो ग्राफ बन रहा है, इसकी स्लोप क्या बनेगी, चेंज ऑन वाई एक्सिस ओवर चेंज ऑन एक्स एक्सिस। तो फ्रीक्वेंसी और इंडक्टिव रिएक्टेंस के जो ग्रेडियंट है वो क्या बनेगा, यानी ऊपर इधर आ जाएगा रिएक्टेंस में चेंज
और अलॉन्ग एक्स एक्सिस फ्रीक्वेंसी में चेंज। क्लियर? तो अब जरा हमें पता है, ये तो इनका स्लोप आ गया, लेकिन आपको पता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, ओमेगा एल के। ये ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2πfL लिख सकता हूँ। तो हमें बेसिकली यहाँ पर नजर आ रहा है ग्रेडियंट मालूम करना है, तो मुझे XL और फ्रीक्वेंसी की रेशो लेनी है। तो ये XL ओवर फ्रीक्वेंसी, ये F इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 2π × inductance। क्लियर होगी बात? तो अब यहाँ पर ये तो होगा ग्रेडियंट, मैं एक और काम करता हूँ, L इंडक्टेंस इधर ही रहे, ये 2π इधर मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड इनटू XL ओवर F। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि इंडक्टिव रिएक्टेंस L किसके बराबर है, 1/2π, यानी 2π से हम डिवाइड करेंगे किसको, XL ओवर F को, और XL ओवर F किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, XL ओवर F किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ग्राफ के ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को, 1/2π इनटू ग्रेडियंट ऑफ XL एंड F। हाँ भाई बात सुनो, समझ आई है? बोल दो यार, बोल दो प्लीज। यस सर। यस सर। चले जी, बड़ी मेहरबानी। यस सर, आ गई है। चले इसको देख लें, इसको एक दफा देख लें कि ये हमें क्या देता है, व्हाट डिटरमाइंस द ग्रेडियंट, तो वो हमें सेल्फ इंडक्टेंस मेजर करने में मदद देता है। चले जी अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पुराने पेपरों में तो अक्सर आता रहा, आसान सा, बहुत ही आसान सा सवाल है, हाउ डज डबलिंग द फ्रीक्वेंसी अफेक्ट द रिएक्टेंस एंड इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस। इंडक्टर की रिएक्टेंस पर क्या असर होता है फ्रीक्वेंसी को डबल करने से, और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेंज करने से उसकी रिएक्टेंस पर क्या असर होता है। तो ये सामने लिखा हुआ है XL इज इक्वल टू 2πfL, ठीक है। एक तो ये नजर आ रहा है F, अब जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी F डैश होगी तो रिएक्टेंस भी चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हमने क्या कर दी है डबल कर दी है, तो ये 2 मैंने शुरू में लिख दिया, तो ये 2πfL क्या बन जाएगा, ये ओरिजिनल रिएक्टेंस है, तो फ्रीक्वेंसी डबल करने से रिएक्टेंस डबल हो जाएगी, ठीक है। दूसरा आपको नजर है, पता है कि XL इज इक्वल टू 2πfL, तो यहां से नजर आ रहा है XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। शॉर्ट क्वेश्चन है तो ऐसे ही करना है, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से मैं ये बता रहा हूं, XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, फ्रीक्वेंसी मैंने डबल कर दी, तो आपने जैसे बैलेंस करते ना इक्वेशन को, तो आप यहां पर भी हमने बैलेंस करना है, तो फ्रीक्वेंसी डबल हुई है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब रिएक्टेंस भी डबल होगी जब हम लेफ्ट साइड पर उसे बैलेंस करेंगे, तो रिएक्टेंस बिकम्स डबल बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। इसी तरीके से ये आपके सामने है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, XC जो है वो क्या होता है 1/2πfC। मैं एक दफा वैसे याद कर देता हूं, जब फ्रीक्वेंसी डबल होगी यानी चेंज होगी तो हमारे पास ये F चेंज हो गया, तो X चेंज हो गया, F की जगह पर क्या आ जाएगा 2π × 2f × C। ये 2 जो है इसको मैं अलहदा ऐसे लिख देता हूं, और बाकी जो है 1/2πfC ये हमारे पास किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दिस इज XC डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास X'C इज इक्वल टू X/2, ठीक हो गया। अब मैं इसी को ऐसे भी हल कर सकता हूँ, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आए तो आपको पता है कि XC इज इक्वल टू 1/2πfC, तो ये फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक हो गया। तो अब अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी को, लेफ्ट साइड पर एफ के साथ 2 आ गया, तो 2 से डिवाइड किया, तो इधर बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
एक्स सी के साथ भी टू लिखना पड़ता है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बिकम हाफ, ये इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में आए तो ऐसे सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मरियम समझ आ गई? यस सर। चलें नेक्स्ट, क्वाइट इजी। इफ पीक वैल्यू यानी मैक्सिमम वोल्टेज जैसे वी एम या वी नॉट से 1000 वोल्ट हो, व्हाट इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू? इफेक्टिव वैल्यू से मुराद, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज से मुराद ई इफेक्टिव लिख दें, जो मर्जी आपका दिल चाहे, दैट इज द आर एम एस वैल्यू। और आर एम एस वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट टू या 0.707 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो ये 0.707 इंटू मैक्सिमम वैल्यू 1000, दैट इज इक्वल टू 707 वोल्ट्स। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी। उमरा समझ आ गई आपको? यस सर। आपकी आवाज नहीं आई लेकिन लगे माइक हिले थोड़ा बहुत। जी, शो दैट रिएक्टेंस इज मेजर्ड इन ओम फॉर बोथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो जरा देखो ना, XL किसके बराबर होता है? XL किसके बराबर होता है? VRMS ओवर IRMS, चाहे अब XC लें या लें, तो ये हमारे पास क्या बनता है? वोल्टेज की यूनिट क्या है? वोल्ट। IRMS की यूनिट क्या है? एम्पेयर। वोल्ट ओवर एम्पेयर क्या होता है? ओम की बराबर होता है। जैसे रेजिस्टेंस में R इज इक्वल टू V ओवर I, तो ये भी क्या है? वोल्ट ओवर एम्पेयर। और वोल्ट ओवर एम्पेयर क्या है? ओम। एक तो ये बात हो ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए भी हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ये देखें, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा अगर ये कहूं कि XL जो है दैट इज इक्वल टू ओमेगा L, ओमेगा चलो लिख लेते हैं 2πfL, तो F जो है 2π की तो कोई यूनिट नहीं है, फ्रीक्वेंसी यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक है, लेकिन इसे हर्ट्ज की तौर पर लिखने की बजाय आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड का इन्वर्स होती है, तो इससे मैं 2π ओवर कैपिटल T लिख लेता हूँ ताकि हर्ट्ज से आगे सेकंड में हम उसे कन्वर्ट कर सकें। तो ये 2π की तो यूनिट नहीं है, तो ये नीचे सेकंड आ जाएगा, सही। L जो है इंडक्टिव, इसको हम E ओवर डेल्टा I ओवर डेल्टा T, पिछले कई दिनों से हम लिख रहे हैं, तो ये L E डेल्टा टी ओवर डेल्टा आई, अब ऐसे लिख लो अगर आपने, तो आप जरा देखो इसकी यूनिट क्या बनेगी, ईएमएफ की यूनिट क्या बनेगी? वोल्ट। टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड। और नीचे करंट की यूनिट क्या है? एम्पेयर। ठीक हो गया। तो अब ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो x की यूनिट क्या बन जाएगी? यूनिट ऑफ x दैट इज इक्वल वोल्ट ओवर एम्पेयर, वोल्ट ओवर एम्पेयर दैट इज इक्वल टू ओम। आप अगर शोशा बनाना चाहते हैं और जरा ये एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं तो फिर आप ऐसे लिख लीजिए। क्लियर हो गया? हाँ जी। नेक्स्ट आखिरी सवाल है, उसे आप लोग खुद ही करेंगे। वैसे मेरे ख्याल में आपके सिलेबस में भी नहीं है, ऐसे ही है ना? हाँ? नहीं है सर, इसी लिए नहीं है वगैरह, वो सारा कुछ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा एक दफ़े इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ज़रूर कर लीजिएगा, बल्कि याद कर लीजिएगा। हमारे बॉडी के ऊपर हार्ट बीट जब करता है तो हमारे पास ब्लड के फ्लो के साथ क्या हो जाता है? एक वोल्टेज जनरेट होता है बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो हमारे पास डिवाइस है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। और वो हमारे पास बॉडी पार्ट्स के दरमियान वो वोल्टेज मेजर करती है। तो जब हार्ट मसल्स कंप्रेस करते हैं या कंट्रैक्ट करते हैं
या जब वो एक्सपेंड करते हैं तो दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक शॉक्स, ठीक है, उससे वोल्टेज जनरेट होता है और जिसको हम इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारे पास ईसीजी ग्राफ कहलाता है एंड दिस इज इन मिली वोल्ट्स। ये मैंने रफ सा बता दिया लेकिन मेरे एक सजेशन है, जरूर इसे याद कर लीजिएगा, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो भी आप लोग मुझे कहेंगे। मेरा दिल है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट करें। कोई सवाल हो फिर भी आप मेरे से पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अभी आप लोगों की किस चीज़ की क्लास है?